हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक आज हम स्टडी करने वाले हैं एक्सेस एंड सिक्योरिटी एस्पेक्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ कोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ करके हम कंप्यूटर में डेटा वगैरह स्टोर कर सकते हैं तो जो पर्सन कंप्यूटर में डेटा स्टोर करता है जिसने इंफॉर्मेशन क्रिएट की है अब वो कंप्यूटर में स्टोर कर रहा है तो जो स्टोर करता है गैज वो उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है यानी अल्टीमेटली वो उस इंफॉर्मेशन का ऑथराइज यूज़र होता है वो नहीं चाहेगा कि उसकी इन्फॉर्मेशन अनऑथराइज वे से कोई और उसको एक्सेस करें तो गाइज आज का हमारा टॉपिक इसी के साथ रिलेटेड है एक प्रॉपर एक्सेस ऑपरेटिंग सिस्टम आपको कैसे प्रोवाइड करती है सिक्योरिटी के थ्रू उन्हीं के बारे में हमें आज स्टडी करनी है तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है सिक्योरिटी के ऊपर डिफाइन सिक्योरिटी और डिफाइन सिक्योर सिस्टम तो सबसे पहले हम डेफिनेशन स्टडी करने वाले हैं जैसे कि इसकी डेफिनेशन है द टर्म सिक्योरिटी इज एज अ सिक्योर सिस्टम विल कंट्रोल थ्रू यूज ऑफ स्पेसिफिक सिक्योरिटी फीचर Access to information that only authorized individual or process operating on their behalf will have access to read, write, create or delete. फर्स्ट स में डेफिनेशन नहीं समझती गई इसे आपको छोटे छोटे पार्ट में समझना पड़ता है एक टेक्निकल डेफिनेशन है फिर भी आपको इसे लर्न करना है ये एग्जाम में वन मार्क के लिए आती है अब सिक्योर सिस्टम क्या प्रोवाइड करती है और कैसे कंट्रोल करती है गाइज वो कुछ आपको पर्टिकुलर स्पेसिफिक सिक्योरिटी फीचर प्रोवाइड करती है जैसे सिंपल सी बात है पासवर्ड हो सकता है पैटर्न लॉक हो सकता है मोबाइल में यूज करते हैं गाइज फिंगर लॉक यूज करते हैं फेस लॉक यूज करते हैं वो एक प्रकार की प्रॉपर सिक्योरिटी फीचर्स है तो उससे होता क्या है एक्सेस टू इंफॉर्मेशन दैट ओनली ऑथराइज इन

विल हैव एक्सेस तो क्या क्या वो एक्सेस कर सकता है रीड ऑपरेशन राइट ऑपरेशन क्रिएट और डिलीट जिस पर्सन की वो इन्फॉर्मेशन है वही वो उसे रीड कर पाएगा या एटलीस्ट ये जो ऑपरेशन यहाँ पे लिखे हैं उन्हें वो कंट्रोल कर पाएगा वो चाहे तो शेयर कर सकता है किसी और के साथ करना हो तो अदरवाइज गैज पूरा कंट्रोल उस पर्सन के ऊपर या उस प्रोसेस के तरफ रहना चाहिए तो जो ये सिस्टम ऐसे ही प्रोवाइड करती है आपको फीचर उसी को बोलते हैं सिक्योर सिस्टम अल्टीमेटली गैज यानी ऑथराइज यूजर को प्रॉपर एक्सेस प्रोवाइड करना यही काम होता है सिक्योर सिस्टम का

तो आप हर चीज को वहां पे कंट्रोल करते हैं हम हमारे हिसाब से हम उसको शेयर करते हैं कि किसके साथ कितनी इंफॉर्मेशन या डेटा वगैरह शेयर करना हो सो so जो भी सिस्टम आपको प्रोवाइड करती है उसे ही बोलते हैं सिक्योर सिस्टम ऑफ कोर्स इसमें सबसे बड़ा रोल हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है तो ये हो गया हमारा गाइज वन मार्क का क्वेश्चन अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि वॉट आर दी एलिमेंट्स ऑफ सिक्योरिटी सिक्योरिटी के कुछ एलिमेंट होते हैं और थ्री एलिमेंट है उनकी हमें स्टडी करनी है सबसे पहला एलिमेंट है कॉन्फिडेंशियलिटी यानी गाइस आप तो पता ही है कॉन्फिडेंट चीजें यानी क्या होती है एक प्रकार की प्राइवेट थिंग होती है प्राइवेट चीज होती है ना हम नहीं चाहते किसी के साथ वो शेयर करें हम तो जिसके अंदर आपको क्या लिखना है इंश्योरिंग द इन्फॉर्मेशन इज नॉट एक्सेस इज एन ऑथराइज मैनर अब जो ऑथराइज पर्सन होगा वो तो एक्सेस करेगा बट अनऑथराइज मैनर से वो इंफॉर्मेशन कहीं बाहर एक्सेस नहीं होना चाहिए तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा पता है दैट मीन बाय कंट्रोलिंग द रीड ऑपरेशन जो आपकी इंफॉर्मेशन है वो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन रहेंगी और हमें किसी के साथ शेयर नहीं करना है तो उसी एलिमेंट को बोलते हैं गाइज या फीचर को हम बोलते हैं कॉन्फिडेंशियल जैसे गाइज ये वीडियो जो अभी आप देख रहे हैं ना ये पब्लिक प्लेटफॉर्म के ऊपर है इसे कोई भी देख सकता है ठीक है मैं चाहूं तो इस वीडियो को प्राइवेट बना सकता हूं जैसे इस वीडियो को मैंने प्राइवेट बनाया इसे कोई भी देख नहीं

इन्फॉर्मेशन इज नॉट अमेंडेड और डिलीटेड इन एन अनऑथराइज मैनर अगर आपकी इन्फॉर्मेशन आपको डिलीट करना आप करो आप उसके ऑथराइज यूजर है अब गई कोई अनऑथराइज वे अगर आपकी इन्फॉर्मेशन डिलीट करो और आपको पता ही नहीं लगे ये तो अच्छी बात नहीं है ना हमें उस इन्फॉर्मेशन को कंट्रोल करना पड़ता है बाई राइट ऑपरेशन हम राइट right वाला फीचर डिसेबल कर देंगे अगेन गईज एग्जाम्पल ये वीडियो ही है अब ये पब्लिक प्लेटफॉर्म में वीडियो है मुझे अगर इस वीडियो को डिलीट करना है तो मैं कर सकता हूं क्योंकि मैं इसका ऑथराइज यूजर हूं आप फिलहाल देख रहे वीडियो को तो आप रीड तो कर रहे वीडियो को आप इसे डिलीट नहीं कर पाओगे चेंज नहीं कर पाओगे एक प्रकार की इंफॉर्मेशन है आपको सिर्फ रीडिंग वाला मैंने ऑप्शन अवेलेबल करके दिया है ताकि आप जस्ट इसे एक्सेस कर सके बट आप इसे डिलीट नहीं कर पाओगे चेंज नहीं कर पाओगे मतलब मैंने राइट वाला ऑपरेशन को कंट्रोल किया है तो ये एक प्रकार के फीचर जो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करती है अगर आपको किसी इंफॉर्मेशन को सिक्योर बनाना हो तो आई होप सो आपको समझ गया होगा इंटीग्रिटी यानी कि इंफॉर्मेशन का अमेंडमेंट ना हो उसे कोई अनऑथराइज वे से डिलीट ना कर सके और तीसरा है अवेबिलिटी इंश्योरिंग दैट द इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल टू ऑथराइज यूजर

आपकी इंफॉर्मेशन आपका डेटा आपको राइट right टाइम में मिले तो आपको इसके लिए रीड और डिलीट ऑपरेशन को कंट्रोल करना पड़ेगा अब डिलीट को क्यों कंट्रोल करना पड़ेगा अब आपको चीजें कब अवेलेबल नहीं मिलेंगी अगर वो डिलीट हो चुकी होंगी तो आपको उसे डिसेबल करके रखना पड़ेगा ये फीचर और रीड मतलब एक्सेस करना और इसे अनेबल करके रखना पड़ेगा और साथ ही साथ में गाइज इंश्योरिंग फॉल्ट रिकवरी अगर आपका सिस्टम फेल हो जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम तो भी आपका डेटा सिक्योर रहना चाहिए किसी वजह से कुछ हो गया ऐसा कुछ सिस्टम फेल हुआ तो भी आपका डेटा आपको मिलना चाहिए अगर जिस जगह पे वो डेटा स्टोर है वही खराब हो गई तो चाहे चांसेस नहीं है मिलने के बट फिर भी अगर कुछ अलग सिस्टम फेल होता है तो भी आपको वो इंफॉर्मेशन अवेलेबल रहनी चाहिए आपके लिए गैस ये तीन एलिमेंट है सिक्योरिटी के कॉन्फिडेंशलिटी यानी रीडिंग ऑपरेशन को कंट्रोल करना इंटीग्रिटी राइट को शेयर तो करना है बट वो कोई चेंज ना कर पाए और अवेबिलिटी यानी आपकी चीज आपको सही टाइम पे मिले दैट्स अ थिंग्स गाइज तो ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए कभी कभी ये क्वेश्चन ही थ्री मार्क्स के लिए आता है थ्री एलिमेंट थ्री मार्क्स के लिए आते हैं तो आपको इसे लिखने आना चाहिए सो so गाइज जो नेक्स्ट थिंग हम डिस्कस करने वाले हैं वो मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में कि वहां पर सिक्योरिटी क्यों इंपॉर्टेंट है अब मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम समझते हो गए आप जैसे कि आपका मोबाइल जरा मान लो कि आपका वो पर्सनल मोबाइल है ठीक है उसके अंदर की इन्फॉर्मेशन सिर्फ आपकी इंफॉर्मेशन है बट अगर सेम मोबाइल है और उसको चार पांच लोग और एक साथ यूज कर रहे हैं यानी कि वन मोबाइल है या वन कंप्यूटर सिस्टम है उसके चार पांच यूजर हैं, तो चार पांच यूजर का डेटा भी उसके अंदर आएगा ना नाइस तो हम नहीं जाएंगे कि एक पर्सन का डेटा दूसरे पर्सन एक्सेस करे दूसरे का तीसरा करे और जिसका वो प्राइवेट डेटा हो वो वही एक्सेस करे तो वो क्या करेगा उसे पासवर्ड प्रोटेक्टेड जो भी सिक्योरिटी फीचर उसका यूज करके उसे वो लॉक करेगा तो वैसा जैसे मोबाइल के साथ होता है ना गेज वैसे कंप्यूटर सिस्टम के साथ भी होता है हमेशा ऐसा जरूरी तो नहीं ना कि कंप्यूटर हमेशा पर्सनल होकर के कभी कभी आपको नेटवर्क कंप्यूटर का भी यूज करना पड़ सकता है और वहां पर भी आपकी इंफॉर्मेशन आपको इंडिविजुअल तरीके से स्टोर करनी पड़ सकती है तो गेज वहां पर सिक्योरिटी फीचर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है तो उसी के बारे में हम डिस्कस करते हैं जैसे कि द मल्टी यूजर एनवायरमेंट द कंसेप्ट ऑफ सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन आर वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि बहुत सारे यूजर होते हैं गैस वहां पे सबका इंडिविजुअल डेटा और एप्लीकेशन हो सकती है यूजर प्रोग्राम शुड नॉट बी इंटरफेस विद द ईच अदर और विद ऑपरेटिंग सिस्टम एक यूजर के एप्लीकेशन दूसरे यूजर के एप्लीकेशन के साथ इंटरफेस नहीं होने चाहिए इंटरेक्ट नहीं करनी चाहिए वो बिल्कुल इंडिविजुअल तरीके से काम करनी चाहिए द मेमोरी एलोकेटेड टू यूजर मस्ट बी प्रोटेक्टेड है ना अब मल्टी यूजर है तो किसी ना किसी यूजर को पर्टिकुलर मेमोरी एलोकेट की गई होंगी तो उस मेमोरी का अलोकेशन उस ऑथराइज यूजर को ही होना चाहिए और उसका एक्सेस उसी को रहना चाहिए और कोई उसे यूज ना कर पाए ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन यूजर प्रोग्राम में एक्सेस डिफरेंट ऑब्जेक्ट एज फाइल्स हो सकती हैं फोल्डर हो सकते हैं प्रिंटर हो सकते हैं क्योंकि शेयरिंग है ना गाइज मल्टी यूजर में सब कुछ शेयर होता है तो इसीलिए गाइज तो मेनी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट्स आर शेयर्ड प्रॉपर सिक्योरिटी आर वेरी इंपॉर्टेंट आप एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं कंप्यूटर के ऊपर और हम नहीं चाहते कि वो प्रोजेक्ट किसी के साथ शेयर हो बट शेयरिंग पॉसिबल है इसलिए तो हमें उसे सिक्योर करके रखना पड़ सकता है तो गाइज ये सब सिक्योरिटी फीचर आपको ये ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करती है आई होप सो कि गाइज ये आपको टॉपिक वगैरह समझा होगा कि एक्सेस एंड सिक्योरिटी एसपेट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे होती है और कैसे ये वर्क करती है नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते गए जो टॉपिक का नाम है सिक्योरिटी थ्रेट्स अभी जो हमने सिक्योरिटी वाले एलिमेंट पढ़े हैं और डिस्कस किया है तो सिक्योरिटी के ऊपर कौन से थ्रेट आ सकते हैं आपकी सिक्योरिटी कैसे डेंजर में आ सकती है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं शेयरिंग एंड प्रोटेक्शन आर रिक्वायरमेंट ऑफ एनी मॉडर्न कंप्यूटिंग ऑफकोर्स गेस इंडिविजुअल कंप्यूटर रहेगा ठीक है बट आज के मॉडर्न जमाने में आपको कंप्यूटर को शेयर करना पड़ता है हम इंटरनेट यूज करते हैं मतलब हमारा कंप्यूटर हम शेयर कर रहे हैं ऑल अराउंड द अदर यूजर के साथ ओके okay, तो ये तो जरूरी है गैस की शेयरिंग होनी चाहिए और साथ ही साथ में प्रोटेक्शन भी होना चाहिए क्योंकि आपका कंप्यूटर बाकी लोगों के साथ भी शेयर हो रहा है है ना तो इसलिए प्रोटेक्शन भी उतना ही मायने रखता है नेक्स्ट पॉइंट है मोर शेयरिंग गिव्स द राइट टू मोर पॉसिबिलिटी ऑफ सिक्योरिटी थ्रेट जितना शेयर करोगे कॉमन सी बात है कोई इन्फॉर्मेशन आप जितनी ज्यादा शेयर करोगे उसका लीक होने का होने का उतना ही चांस बढ़ जाता है वैसे कंप्यूटर के साथ जितना शेयर करोगे कंप्यूटर उतने उसके ऊपर थ्रेट्स आने के चांसेस होते हैं पीसी वॉल्स डिजाइन फॉर इंडिविजुअल वन ऑफकोर्स इसलिए उसे पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं दिस इज द रीजन एम एस डॉज वॉज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग इन द सिक्योरिटी प्रोटेक्शन एरिया जब अर्लियर कंप्यूटर थे गए उसमें ओपन था, था।, तो था, तो था अगर कोई कंप्यूटर वो ऑन करता है तो उसको वो डेटा मिल सकता था तो पहले के जमाने में डेटा या कंप्यूटर कैसे प्रोटेक्टेड किए जाते थे हिंस फॉर पीसी इन अर्ली डेज द ओनली सिक्योरिटी वॉज द लॉक रूम फिजिकली द दीसी फ्लॉपी डिस्क वेयर केप कोई सिक्योरिटी फीचर ही नहीं था आपको जस्ट लॉक रूम में उसको लॉक लगा के आप रख दो ठीक है आज के जमाने में आपका कंप्यूटर कोई चुरा भी ले और मोबाइल भी अगर कोई चुरा ले गए तो जरूरी नहीं कि उसे इंफॉर्मेशन मिले क्योंकि आपने उसे लॉक करके रखा हो ऐसा भी हो सकता है टुडे नंबर ऑफ पीसीज और नेटवर्क टुगेदर टू शेयर डेटा एंड प्रोग्राम हम गेज हम लैंड वाले नेटवर्किंग की बात करें और इंटरनेट की भी बात करें जहाँ पे हमारा कंप्यूटर शेयर होता है जैसे ही आप इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं मतलब गाइज आपका कंप्यूटर बाकी लोगों के साथ शेयर हुआ है वहां की इंफॉर्मेशन यहाँ पे आती इन्फॉर्मेशन वहां जाती है बस हम है हम ऑथराइज यूजर है तो उसको थोड़ा सा कंट्रोल करके रखते हैं बट उसके ऊपर मतलब जो हमने सिक्योर करके रखा है सिस्टम उसके ऊपर थ्रेड आ सकते हैं ये आपको ध्यान में रखना है और उसी के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं द मेजर थ्रेड टू सिक्योरिटी कैन बी कैटेगराइज एज तो वही चीजें हमें स्टडी करनी है तो वन बाय वन हम स्टडी करते हैं पहला थ्रेड है गाइज टैपिंग आपने ये अभी वर्ड भी सुना होगा बस अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि एक्सप्लेन सिक्योरिटी थ्रेड्स तो बस यहां से शुरू हो जाना है कि स्टैपिंग टैपिंग का मतलब होता है अनऑथराइज यूज ऑफ सर्विस अब ये सर्विस कुछ भी हो सकती है दो इंडिविजुअल कंप्यूटर के बीच का कम्युनिकेशन हो सकता है इंटरनेट का कम्युनिकेशन हो सकता है एंड सो सोच कोई भी कंप्यूटर की सर्विस यहाँ पे हो सकती है हम उसका डेमोन्स्ट्रेशन वगैरह देखने वाले हैं और दूसरा सिक्योरिटी थ्रेट इज गाइज वो है डिस्कलोजर यानी कि अनऑथराइज डिस्कलोजर ऑफ इंफॉर्मेशन तो जरा इसे एग्जाम्पल से समझते हैं ताकि ये दोनों भी टर्म आपको अच्छे से समझे इस ए नाम का एक कंप्यूटर है या कोई इंडिविजुअल पर्सन हो सकता है उसका वो कंप्यूटर सिस्टम हो सकता है एक दूसरा पर्सन है या दूसरी कंप्यूटर सिस्टम है जिसका नाम है बी ओके okay? ये दो कंप्यूटर सिस्टम है ऐसा आप समझो अब एक हमारा एक इंडिविजुअल पर्सन है कंप्यूटर सिस्टम है यहां से हम इंफॉर्मेशन किसके साथ शेयर करना चाहते हैं बी के साथ शेयर करना चाहते हैं और वो शेयर हो भी जाएंगी कोई उसमें डाउट नहीं है तो कहीं ये जो कनेक्शन है ये नेटवर्किंग का कनेक्शन है यहां से इंफॉर्मेशन यहाँ पे पास हो रही है इतना आप समझ रहे हो डायग्राम से तो ये ई हो सकता है फोन कॉल हो सकता है कोई भी पर्टिकुलर सर्विस हो सकती है जो ए और बी क्या कर रहे हैं शेयर कर रहे हैं ठीक है मान लो कि इस ए नाम के कंप्यूटर से एक ईमेल भेजा गया है बी नाम के कंप्यूटर के तरफ ओके ऑफ कोर्स नेटवर्किंग का यूज करके हमने उसे भेजा है और जरा देखोगे इस बीच में क्या होता है नेटवर्किंग है तो कनेक्शन तो आया है इस कनेक्शन को कोई हैक करके उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर रहा है बस ऑब्जर्व कर रहा है कि ए बी को क्या भेज रहा है ठीक है कुछ भी ईमेल हो सकता है यहां पे उस ईमेल में कुछ भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन हो सकती है बट ये थर्ड पार्टी की तरफ जा रही है और खास बात क्या है पता है ए और बी दोनों को नहीं पता कि उनकी इन्फॉर्मेशन लीक हो रही है और कोई थर्ड पर्सन भी उस इंफॉर्मेशन को ऑब्जर्व कर रहा है और देख पा रहा है अगर दो पर्सन क्या शेयर कर रहे हो तीसरे पर्सन को पता चलता है तो ये भी एक इंफॉर्मेशन इस का मिस हो सकता है तो इसी चीज को बोलते हैं टैपिंग यूज ऑफ सर्विस अब देखो जो सर्विस है ये कम्युनिकेशन सर्विस की हम बात कर रहे हैं ईमेल शेयरिंग की हम बात कर रहे हैं जो ए और बी के बीच में होनी चाहिए बट उसे कोई थर्ड पार्टी भी एक्सेस कर रही है तो इसी को बोलते हैं अनऑथ थराइज यूज ऑफ सर्विस अब रही एक बात गई डिस्कलोजर भी बिल्कुल ऐसा ही होता है डिफरेंस इतना है कि टैपिंग में ए और बी को दोनों को नहीं पता कि उनकी इन्फॉर्मेशन हैक हो रही है डिस्क्लोजर में जान के जो source party है स्पेशली जो हमारी ए पार्टी है वहां से इन्फॉर्मेशन निकल रही है ना ये जान के इंफॉर्मेशन लीक कर रही है सर्विस को लीक कर रही है तो उसे बोलते हैं डिस्क्लोजर तो इनके बारे में थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन एक जगह पे लिख देते हैं जैसे कि टैपिंग एंड डिस्क्लोजर आर पैसिव थ्रेट एंड अदर आर एक्टिव थ्रेट अदर हम डिस्कस करने के थोड़ी देर में हमने करेंगे पैसिव थ्रेट यानी जो इन्फॉर्मेशन यहां से यह सर्विस यहां से जो एक्सेस रही है जो जा रही है गए उसके अंदर कोई मॉडिफिकेशन नहीं हो रहा है थर्ड पार्टी जस्ट ऑब्जर्व कर रही है उसको कोई भी मॉडिफाइ उस इन्फॉर्मेशन को नहीं कर रही है ठीक है जस्ट ऑब्जर्व कर रही है कि वहां पे क्या चल रहा है तो उसे बोलते हैं पैसिव थ्रेट थ्रेट और एक्टिव में क्या होता है जो इन्फॉर्मेशन लीक हुई है उसमें चेंजेस होना मॉडिफिकेशन होना डिलीट होना तो उन्हें बोलते हैं एक्टिव थ्रेट तो उन्हीं के बारे में थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे पहले हम टैपिंग के बारे में जान लेते हैं इन फर्स्ट टू केसेज द इन्फॉर्मेशन गोस टू थर्ड पार्टी ऑफकोर्स थर्ड पार्टी के इन्फॉर्मेशन इन टैपिंग दर्ड पार्टी एक्सेस इट विदाउट नॉलेज ऑफ ए एन बी ए और बी ये दोनों कंप्यूटर सिस्टम को या इंडिविजुअल पर्सन को पता नहीं है कि उनका डेटा हैक हो रहा है या इन्फॉर्मेशन लीक हो रही है बट इन डिस्कलोजर गाइज द सोर्स पार्टी ए विलिंगली डिस्कलोज इट टू थर्ड पार्टी ए पार्टी जान बुझ के गिबरेटली इंफॉर्मेशन को लीक कर रही है और ए को पता नहीं है तो इसे बोलते हैं डिस्क्लोजर ठीक है तो आपको अगर ये point भी लिखने हैं तो आप इसे लिख सकते हैं एग्जाम में अदरवाइज लिखने वाले हैं वो भी उतना ही sufficient है इसके बाद अमेन्डमेंट अमेंडमेंट का मतलब ही होता है चेंज करना अल्टर करना अनऑथराइज अल्टरशन और डिलीशन ऑफ इन्फॉर्मेशन अनऑथराइज का मतलब समझते ना गए ऑथराइज पर्सन है तो सर्विस को यूज कर सकता है वो इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज कर सकता है या फिर उसे चेंज या डिलीशन दिलिश, भी कर सकता है क्योंकि वो उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है ना वो उसका ऑथराइज यूजर है अगर अनऑथोराइज वे से अगर इंफॉर्मेशन चेंज होती है या डिलीट होती है तो उसे बोलते हैं अमेंडमेंट तो ये एक प्रकार का थ्रेट है सिक्योरिटी के ऊपर होने वाला तो क्या जिसे डायग्राम से समझते हैं ए है गाइस ओके okay, और ए किसके साथ कम्युनिकेट करना चाहता है बी के साथ इसने इंफॉर्मेशन भेजनी है बी के तरफ बट देखो इस बीच में क्या होता है इन्फॉर्मेशन डायरेक्ट बी के तरफ जाने के बजाय ये थर्ड पार्टी की तरफ जाती है और ए और बी को कोई आइडिया नहीं कि यहाँ पे क्या हुआ है और ये इन्फॉर्मेशन बोलो ईमेल बोलो वो यहाँ तक गया है और थर्ड पार्टी उसमें चेंजेस करती है या उसको डिलीट भी कर सकती है वो और वो जो चेंज वाली इंफॉर्मेशन देन बी के तरफ जाती है तो जो ओरिजिनल इन्फो थी वो बी के तरफ पहुंच ही नहीं है यानी कि इंफॉर्मेशन क्या हो गई अल्टर हो गई है या फिर ये भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी उसे डिलीट कर दे और आगे उसे पास ही ना करे तो उसे बोलते गए ये वाले थ्रेड को कहते हैं अमेंडमेंट आई होप सो आपको ये समझ गया होगा फोर्थ थ्रेड है हमारा फैब्रिकेशन यानी अनऑथराइज फैब्रिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन फैब्रिकेशन का मेरे ख्याल से आपको मतलब समझता है यानी कि जो चीज एग्जिस्ट ही नहीं उसको बना के आगे भेजना ठीक है देखो इसमें डायग्राम से हम समझते हैं जैसे कि बी की तरफ कोई इंफॉर्मेशन आने वाली थी और कौन भेजने वाला था इस ए भेजने वाला था बट देखो ए सीन में है ही नहीं थर्ड पार्टी अपने हिसाब से इन्फॉर्मेशन या कुछ भी गए वो स्पैम मेल हो सकता है वॉट एवर कुछ भी चीजें हो सकती हैं उसने उस इन्फॉर्मेशन को फैब्रिकेट कर दिया और बी के तरफ भेजा है बट बी को क्या लगेगा पता है कि वो इन्फॉर्मेशन आई है वो मेल कहाँ से आया है ए से आया है बल्कि ए को पता ही नहीं है कि यहाँ पे क्या हुआ है बी के तरफ एक फैब्रिकेटेड इन्फो पहुंची है

बी गेस यहाँ पे किसी भी प्रकार की सर्विस हो सकती है इंटरनेट सर्विस हो सकती है कोई कमर्शियल साइट हो सकती है जहाँ पे हम कमर्शियल ट्रांजैक्शन वगैरह कर रहे हैं सो so ऑन गैस ओके okay. डिनेल में क्या होता है कि ये जो हमारी कंप्यूटर सिस्टम है इंडिविजुअल है मान लो कि इस सिस्टम में ये लॉग इन करना चाहता है और पता है गैज ये जो हमारी थर्ड पार्टी है उस सर्विस को वो डिनाय कर देती है यानी कि यहाँ तक उसे पहुंचने ही नहीं देती है कुछ भी सर्विस हो सकती है गैज और उसको यहीं पे वो रोक देती है थर्ड पार्टी तो इसे बोलते हैं डिनायल हो सकता है ये प्रकार लॉग इन हो वो या फिर आपकी बैंकिंग सिस्टम हो जहाँ पे आप लॉग इन करना चाहते हो या कोई भी पर्टिकुलर सर्विस हो जिस जिसको डिनायल किया गया है इस थर्ड पार्टी ने तो क्या डायग्राम से आपको समझ गया होगा अगर ये थ्री मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है तो ये फाइव सिक्योरिटी थ्रेट्स आपको

सिक्योरिटी सिस्टम कैन बी अटैक इन नंबर ऑफ वेस्ट ओके सो यह किस तरीके से हमारे सिक्योरिटी के ऊपर अटैक हो सकता है उसी के बारे में हमें यहाँ पे डिस्कस करना है सबसे पहला ऑथेंटिकेशन तो ऑथेंटिकेशन का मीनिंग क्या होता है पहले हमें वो देखना पड़ेगा इट मीन द वेरिफिकेशन ऑफ एक्सेस टू सिस्टम रिसोर्सेज सिंपल रिसोर्सेस एग्जाम्पल आपका पासवर्ड मोबाइल का या फिर पैटर्न लॉक या फिंगर लॉक उसे बोलते हैं ऑथेंटिकेशन प्रोसेस जब हम पैटर्न लॉक ओपन करते हैं फिंगरप्रिंट हम अनलॉक करते हैं तो उससे हम करते क्या गए उस सिस्टम के अंदर हमें एंट्री मिलती है तो उसे ही तो बोलेंगे ना हम एक्सेस पासवर्ड डाल के हम उसके अंदर एंट्री करते हैं दैट्स द ऑथेंटिकेशन प्रोसेस अब इसके ऊपर होने वाला अटैक मतलब आप, आपका पासवर्ड गेस करना उसे चुराना और अनऑथराइज वे से उसे एक्सेस करना दैट्स हमारा अटैक्स ऑन सिक्योरिटी यानी कि ऑथेंटिकेशन प्रोसेस के ऊपर अटैक होना तो वो कैसे कैसे हो सकता है उसके बारे में यहाँ पे लिखा गया है आप आपकी लैंग्वेज में भी गए जिसके आंसर लिख सकते जैसे following way to attack in this record, जैसे कि कि फॉलोइंग वे टू अटैक इन दिस रिकॉर्ड गेसिंग और स्टीलिंग सम वर्ड इज एस पासवर्ड एंड देन यूज इट है ना गए किसी का पैटर्न लॉक देखना पासवर्ड देखना एंटर करना और उसके अंदर की इन्फॉर्मेशन एक्सेस करना एक प्रकार के सिक्योरिटी के ऊपर हुआ अटैक है ना गए तो पासवर्ड को स्टील करना ये या गेस करना गए गे? एक प्रकार का अटैक हो गया है नेक्स्ट उसी के बारे में यूज ऑफ वेंडर सप्लाइड पासवर्ड विच कैन बी यूज बाय ओनली सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर बहुत बार हम ऐसी चीजें खरीदते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड जिसमें जो कंपनी ने पासवर्ड सेट करके रखा है वही वहां पे रहता है आपको ऐसे उन्होंने चेंज करने के लिए बोला जाता है बट वही रहता है और अदरवाइज कभी कभी गैस जो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं जो कंप्यूटर सिस्टम को या डिवाइस को एक्सेस करते हैं उनका एक पर्टिकुलर पासवर्ड रहता है तो वो जो वेंडर अप्लाइड पासवर्ड है जो कंपनी ने आपको प्रोवाइड किया है उसका मिसयूज होना उसको गेस करना और उसका मिसयूज करना ये भी प्रकार का गेज यहाँ पे अटैक है गेज नेक्स्ट अटैक है फाइंडिंग पासवर्ड बाय ट्रायल एंड एर मेथड कभी ना कभी अगर आप ट्राई करते रहोगे तो कभी ना कभी तो आपको मैच मिल सकता है ना इस पर्टिकुलर पासवर्ड को गेस करने के बजाय आपने एक दो पासवर्ड अगर ट्राई करके देखे तो हो सकता है कि आपको वो मिल सकता है इसलिए तो आपको ऐसे पासवर्ड बनाने पड़ते हैं जो गेस ना किए जाए जो ट्रायल और एरर मेथड से भी ना मिले ऐसे आपको पासवर्ड सेट करने पड़ते हैं और मेरे ख्याल से आपको उतना समझता है कि पासवर्ड वगैरह कैसे सेट करने चाहिए नेक्स्ट है गैस इफ यूजर लॉग ऑन एंड लीव्स देन यूजिंग द टर्मिनल टू एक्सेस कॉन्फिडेंस इन्फॉर्मेशन ऐसा आपने बहुत बार देखा होगा आपने निकल गई लॉग इन कर लिया कंप्यूटर एक जगह पे रखा है और आप किसी और काम के लिए बाहर चले गए अगर वो लॉग इन वाली सिस्टम वैसे की वैसी ही रहें तो क्या उसका मिस नहीं हो सकता कि आपने फेसबुक लॉग इन करके छोड़ के चले गए तो वो जो लॉग है गाइस उससे तो कोई उससे तो कोई और यूजर भी पोस्ट कर सकता है ना उस टाइप का गाइज तो इसका भी मिस हो सकता है वे भी प्रकार के ऑथेंटिकेशन प्रोसेस के ऊपर होने वाला अटैक है नेक्स्ट है गाइस राइटिंग अ डमी लॉग प्रोग्राम टू फोल यूजर लॉगिन वाली प्रोसेस आप देखते गए गैस हमने एस पढ़ा है वहाँ पे वेब पेज बनाया जा सकते हैं अगर मैं डमी पेज बना दू जिसे फेसबुक लॉगिन जैसे दिखे या जी मेल लॉग इन जैसे दिखे और किसी ने उसके अंदर पासवर्ड और यूजर नेम टाइप किया और वो इन्फॉर्मेशन मैंने स्टील कर ली तो उसका वो कोई भी मिस यूज करके उसको एक्सेस कर सकता है ना तो वो भी एक प्रकार का गैस यहाँ पे ऑथेंटिकेशन पे होने वाला अटैक है आई होप सो कि आपको गैस ये चीजें समझ गई होंगी आप आपके लैंग्वेज में भी यहाँ पे इसके बारे में लिख सकते हैं नेक्स्ट है, है गाइज ब्राउजिंग अब ये फीचर क्या है जरा देखो इन सम सिस्टम देर एग्जिस्ट फाइल विद द एक्सेस कंट्रोल विच आर वेरी परमिसिव देखो गई हम कभी कभी क्या करते हैं हमने लॉग इन किया कहाँ पे और वहां पे देखो लॉग इन करने के बाद नीचे साइन इन तो होता ही है उसके ऊपर एक चीज होती है गई रिमेम्बर मी करके रिमेंबर मी का मतलब क्या होता है आपको और आपके पासवर्ड को वहां पे सिस्टम में ही स्टोर करके रख देना यानी आपके कंप्यूटर के अंदर वो स्टोर करके रखना है नेट की बात नहीं कर रहे वो तो सर्वर के ऊपर स्टोर है आपके कंप्यूटर में आपका पासवर्ड और यूजर नेम स्टोर करके रखना तो वो आपके कंप्यूटर के किसी ना किसी फाइल में तो है ना तो उसको ब्राउज करके उस पासवर्ड को हैक करना उस इंफॉर्मेशन को हैक करना उसी को बोलते हैं ब्राउजिंग तो ये ब्राउजिंग के थ्रू होने वाला हमारा अटैक है इसके अंदर आपको लिखना है वन कैन ब्राउज थ्रू द सिस्टम फाइल टू गेट इनप्रोटेक्टेड बहुत सारे मॉडिफाइड तो हो होता, होता है तो यह भी अटैक है बट दे नेक्स्ट अटैक की तरफ अटैक का नाम है गैस डोवर देखो इसके अंदर हमें क्या लिखना है समटाइम्स सॉफ्टवेयर इंजीनियर लिव समेट एंट्री पॉइंट टू मॉडिफाइयर प्रोग्राम्स अब कोई ना कोई डेवलपर हुआ गए तो उसने कुछ ना कुछ ऐप बनाया होगा तो समटाइम्स क्या होता है कि हमेशा वो तो प्रेजेंट रहेगा नहीं ना अगर कुछ मॉडिफिकेशन करने रहे तो समटाइम्स तो वो इंजीनियर क्या करते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर किसी ना किसी तरीके से एंट्री पॉइंट रखते हैं कि जहां से वो एंटर कर सकते हैं और उसे कोई मॉडिफाई कर सकता है ठीक है तो ये उसने अच्छे काम के लिए रखा है ताकि अगर वो प्रेजेंट ना हो तो कोई और यूजर या और डेवलपर उस एप्लीकेशन को क्या कर सके मॉडिफाई कर सके जैसे हम घर में नहीं करते गए अगर हमने घर पे लॉक लगा दिया है तो चाबी हम कभी कभी ऐसे जगह पे रखते हैं ताकि हमारा फैमिली मेंबर घर का कभी आए और हम नहीं मिले तो उसे पता चले कि चाबी वगैरह कहाँ पे रखी है या नेबर के यहाँ पे हम चाबी वगैरह रख देते तो ये प्रकार का वो ट्रैप डोवर है एंट्री पॉइंट है कि अगर हम नहीं रहे तो हमारे बिहॉ में जो ऑथराइज यूजर है उसका यूज करके वो अंदर एंट्री करें तो अच्छे पर्पज के लिए वो रखी है ना चाहे हमने डोर मैट के नीचे रखे होंगे खिड़की में रखी हूँ कहीं ना कहीं पे रखी होंगी बट उसका मिस यूज हो सकता है ना हमारे डे टू डे लाइफ में वैसे ही गई सॉफ्टवेयर का भी है वेबसाइट का भी है एंट्री पॉइंट छोड़े जाते हैं ताकि कोई ऑथराइज यूजर उस कंपनी का एम्प्लॉय समझ लो ना आप जिसने वो बनाई है वो वाले एम्प्लॉय एंट्री कर सके तो उसका मिस हो सकता है तो उसे ट्रैप डोवर बोलते हैं तो इसमें हम और लिख सकते हैं दीज आर कॉल्ड ट्रैप डोवर्स दे कैन बी मिस यूज बायर जैसे हमने डिस्कस किया है नेक्स्ट है इनवैलिड इनवैलिड पैरामीटर्स पैरामीटर पैरामीटर यानी वैलिड आप समझते ना किसी चीज को चलाने के लिए आपको वैलिड पैरामीटर देने पड़ते हैं अगर वैलिड पैरामीटर दोगे तो ही वो चीज या वही वो सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं या कुछ भी जो चीजें हैं सिक्योर सिस्टम में जो यूज करते हैं वो एक्सेस हो सकती हैं बट अगर आप इनवैलिड पैरामीटर अगर आप प्रोवाइड करोगे तो शायद वो चीज खराब भी हो सकती है तो उसी को बोलते गए इनवैलिड पैरामीटर अगर इसे मैं कंपेयर करूँ लॉक से गए अगर लॉक को ओपन करना है तो मुझे पर्टिकुलर की लगेंगे ना और उसी की से वो लॉक खुलेगा अगर मैं उस लॉक को खोल नहीं पाया तो क्या उस लॉक को मैं खराब नहीं कर सकता कर सकते गए ना तो उसी को इनवैलिड पैरामीटर बोलते हैं मैं लॉक को ही खराब कर दूंगा इनवैलिड पैरामीटर की की जगह कुछ और चीज वहां पे इंसर्ट करके उसे मैं खराब भी कर सकता हूं तो उसी को इनवैलिड पैरामीटर बोलते हैं और ऐसा कंप्यूटर सिस्टम में भी हो सकता है तो देखो गायस पासिंग इनवैलिड पैरामीटर्स पैरामीटर मेकॉज सीरियस सिक्योरिटी वायलेशन है तो ऐसा भी हो सकता है गैस नेक्स्ट अटैक है गैस और वो है लाइन टैपिंग सिंपल सी बात है गैस, आपने कभी वर्ड सुना होगा फोन टैप करना मूवीज में आपने देखा भी होगा फोन टैप वगैरह कैसे करते और थोड़ी देर पहले हमने थ्रेड्स में भी देखा है पहला वो जो टैपिंग था ना वो वही है गैस देखो दो कंप्यूटर के बीच का कम्युनिकेशन है एक कनेक्शन है उस लाइन को टैप करना दोनों कंप्यूटर सिस्टम को आइडिया नहीं है कि क्या चल रहा है गैस और उस कनेक्शन को हैक कर लेना और इंफॉर्मेशन एक्सेस करना स्पेशल टर्मिनल यूज टू टैप इन टू कम्युनिकेशन लाइन इट कॉजेस एक्सेस टू कॉन्फिडेंशियल डेटा क्या कम्युनिकेशन चल रहा है वो पता चलता है बेस्ट एग्जाम्पल गए फोन टैपिंग का वगैरह है कभी कभी जानबूझ के भी इंफॉर्मेशन लिख की जाती है उसको हम डिस्क्लोजर बोलते हैं वो भी थोड़ी देर पहले हमने स्टडी किया है गई तो वही एक प्रकार के हमारी लाइन टैपिंग है कम्युनिकेशन लाइन को हैक करना नेक्स्ट अटैक है इलेक्ट्रॉनिक डेटा कैप्चर गई जी हमारे वीडियो स्क्रीन से रिलेटेड वाला कैप्चर है जैसे कि हमारे हम मोबाइल के ऊपर क्या कर रहे हैं कंप्यूटर के ऊपर क्या कर रहे हैं अगर कोई ये देख पाए तो एक पर्टिकुलर रेंज के कंप्यूटर मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर क्या चल रहा है वो स्क्रीन अगर कैप्चर कर ली जाए तो तो उसका भी तो मिसयूज हो सकता है ना हम कंप्यूटर के ऊपर क्या कर रहे हैं अगर वो कोई देखता है तो उसका मिसयूज हो सकता है हो सकता है कि उसने यूजर नेम पासवर्ड या कोई कॉन्फिडेंशियल डेटा वगैरह कैप्चर कर लिया हो तो उसी के बारे में हमें यहाँ पे डिस्कस करना है यूज ऑफ एक्टिव और पैसिव वायर टेस्ट और मैकेनिज्म टू पिक अप अप्रीन रेडियशन एंड रिक्नाइज व्हाट इज डिस्प्ले ऑन स्क्रीन इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉनिक डेटा कैप्चर आपने बहुत बार मूवीज में अगर ऐसी टेक्निक वगैरह देखी होंगी स्पेशल सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का आपको यूज करना पड़ता है अगर आपको स्क्रीन रेडिएशन रिकग्नाइज करना हो या कैप्चर करना हो तो बैठते गए हमारे नेक्स्ट अटैक की तरफ अटैक का नाम है लॉस्ट लाइन ठीक है दो कंप्यूटर सिस्टम के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है पता चला कि डेटा ट्रांसफर हो रहा है बड़ा सा डेटा ट्रांसफर हो रहा है बीच में वायर कट हो जाती है तो गई जनरली क्या होना चाहिए जो कनेक्शन जो ऑनगोइंग कम्युनिकेशन चल रहा है डेटा ट्रांसफर चल रहा है वो क्या होना चाहिए कट हो जाना चाहिए बट वो स्टिल लाइन अगर एक्टिव रहे और उस कटी हुई लाइन को अगर कोई एक्सेस करे और उसको अगर वो इन्फॉर्मेशन मिलती है तो उसका मिसयूज हो सकता है ना गाइस तो अल्टीमेटली क्या होना चाहिए अगर कभी लाइन कट हो जाती है लाइन इन द सेंस गाइस कम्युनिकेशन लाइन अगर कट हो जाती है तो जहाँ से डेटा निकल रहा है उस वो सिस्टम लॉग आउट होनी चाहिए और फिर से स्टार्टिंग से जब नई लाइन एस्टेब्लिश होती है तब वो शुरू होनी चाहिए अगर ऐसी कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं करती है तो वो भी एक प्रकार का अटैक हो सकता है हमारे सिक्योरिटी के ऊपर उसी के बारे में हम डिस्कस करते हैं इन नेटवर्किंग लाइन में गेट लॉस्ट कट हो सकती है कुछ भी हो सकता है इन सच केस ऑपरेटिंग सिस्टम कैन लॉग आउट अ यूजर एंड अलाउ एंड एक्सेस ओनली आफ्टर री एक्स्टेब्लिशिंग द आइडेंटिटी ऑफ यूजर है ना गई जब वो फिर से लॉग इन करेगा तब वो लाइन एक्टिवेट होनी चाहिए अगर लॉग आउट ही नहीं हुआ तो डेटा ट्रांसमिट होते ही रहेगा और वो कोई भी कॉन्फिडेंशियल डेटा हो सकता है और किसी ने अगर उससे एक्सेस किया तो उसका मिस भी हो सकता है सम ऑपरेटिंग सिस्टम कैन नॉट डू दिस ऐसा कोई कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं करती जनरली करना चाहिए इन सच केस द फ्लोटिंग प्रोसेस कैन बी एक्सेस बाय अनऑथराइज यूजर उसके अंदर से जो डेटा ट्रांसमिट हो रहा है कम्युनिकेशन हो रहा है उसका मिस यूज हो सकता है तो इस बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट अटैक की तरफ और अटैक का नाम है इम प्रॉपर एक्सेस कंट्रोल ओके नेटवर्किंग है गाइज मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है सर्वर क्लाइंट वाला कंसेप्ट होता है और बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटर भी हो सकते हैं किसी सर्वर के या यूजर भी हो सकते हैं तो अगर हमने किसी यूजर को ज़्यादा राइट्स दे दिए किसी को कम दे दिए और जिसको नहीं देने चाहिए उसको अगर हमने राइट्स दे दिए तो उसका मिस हो सकता है तो उसी को बोलते हैं इम एक्सेस कंट्रोल उसका बेस्ट एग्जाम्पल गए आपका व्हाट्सएप ग्रुप रख लो ना आपने ग्रुप बनाया है कुछ दोस्तों को ऐड किए हैं और किसी दोस्तों को आपने एडमिनिस्ट्रेटर बनाया है पता चला कि वो जो नया एडमिन बना है उसने आपको ही रिमूव कर दिया या कुछ ऐसा कुछ सेटिंग कर दी जो नहीं चाहिए थी ग्रुप में तो इम्प्रॉपर एक्सेस कंट्रोल हो गया ना गैस तो ऐसा अगर हम करते हैं तो उसका मिस हो सकता है और उसका अटैक आपके सिक्योरिटी के ऊपर हो सकता है ऐसा हमारे कंप्यूटर सिस्टम के साथ भी हो सकता है समटाइम्स द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एडमिनिस्ट्रेटर मे नॉट प्लान एक्सेस कंट्रोल प्रॉपरली ओके गैस दिस में लीड टू सम यूजर टू राइट्स एंड अदर वेरी फ्यू है ना अगर मैं इस यूट्यूब चैनल का अगर एक किसी पर्सन को एडमिनिस्ट्रेटर बना दू और उसने यूट्यूब चैनल डिलीट कर दिया तो वो इम्प्रॉपर एक्सेस हो गया गेस ऐसा कोई चाहेगा भी नहीं लगेगा ऐसा हो करके तो इसे बोलते हैं इम्प्रॉपर एक्सेस इट कॉज डिस्कलोजर और डिनायल ऑफ सर्विस ऑफ कोर्स वो इंफॉर्मेशन लीक होना या सर्विस का डिनायल होना ये भी पॉसिबल है नेक्स्ट गाइज अटैक ऑन सिक्योरिटी है वेस्ट रिकवरी ये गई इंटरेस्टिंग थिंग है वेस्ट रिकवरी यानी जैसे हमारे स्टोरेज डिवाइसेस से गए वहां से इंफॉर्मेशन बाहर निकालना पता है जो कंप्यूटर के अंदर हम स्टोर करते हैं वो इन्फॉर्मेशन कभी भी डिलीट नहीं होती है ओवरराइट होती है सपोज आपने कुछ पेन ड्राइव में डेटा स्टोर किया था उसको फॉर्मेट किया आपने और किसी और को दिया गया आपको लग रही होंगे कि पेन ड्राइव ब्लैंक है बट वहाँ से डेटा रिकवर किया जा सकता है मेमोरी कार्ड है कंप्यूटर है डेटा रिकवर किया जा सकता है जब तक कि वो ओवर नहीं हुआ होगा डिलीट डिलीट नहीं होता है गए जस्ट दिखता है डिलीट हुआ करके इन्फॉर्मेशन वही रहती है तो इस टेक्निक का यूज़ करके बहुत सारे सॉफ्टवेयर हमारे मार्केट में अवेलेबल है इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल है फ्री वाले हैं जिससे आप डेटा रिकवरी कर सकते हैं तो उसका यूज़ करके आपका कॉन्फिडेंशियल डेटा भी लीक हो सकता है by using some technique deleted files can be recovered password may be recollected it is a best recovery data password kuch bhi recover kiya ja sakta aur guys aisa hota hai aur hamara last attack hai aur wo hai rock software certain programs like worms viruses attack on system आपने malware के बारे में सुना होगा रैनसम वेयर के बारे में सुना होगा गए कुछ साल पहले वो आया था जिसमें आपकी कंप्यूटर पूरा का पूरा इंक्रिप्ट हो जाता है और अगर आपको उसको डिक्रिप्ट करना है उसमेसन को फिर से अगर आपको एक्सेस करना है तो रैनसम देना पड़ता था ऐसा कभी आपने सुना होगा मालवेयर से पासवर्ड चुराए जाते हैं आपका कॉन्फिडेंशियल डेटा चुराया जाता है तो वो भी एक प्रकार के गई सॉफ्टवेयर अगर आपके सिस्टम में आते हैं तो वो भी तो हमारे सिक्योरिटी के ऊपर होने वाले अटैक है तो ऐसे रफ सॉफ्टवेयर का यूज़ करके भी डेटा वगैरह हैक वगैरह किया जाता है आई होप सो गाइज़ कि ये पॉइंट्स वगैरह आपको अच्छे से समझ गए होंगे कुछ भी एग्जाम में आता है तो आपको इसके बारे में लिखना आना चाहिए आपकी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं बट जनरली ये जो हमने पॉइंट डिस्कस किए अगर वही मेंशन करते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा तो नेक्स्ट क्लास में गाइज़ हम ये जो वार्म और वायरस यहाँ पर जो वर्ड आए हैं उन्हीं के बारे में हम डिस्कस और स्टडी करने वाले हैं सो so गाइज़ आज के क्लास के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ तब तो तक के लिए गुड बाय थैंक यू गाइज